मधेपुरा जिला के आदर्श ग्राम पंचायत बालम गठिया की रोड की स्थिति में वर्ष 2018 में ही टेंडर होने के बावजूद भी रोड नहीं बनाने के संबंध में आदर्श ग्राम पंचायत बालम गठिया के मुख्य मार्ग जो कि NH 107 मिठाई चौक से लेकर और बाजार तक जाती है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में बिहार मधेपुरा से जिला ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की रिपोर्ट। जिला प्रशासन से मेरा कहना है कि इसको विलंब रोड का बनवाया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, इस सड़क का जब शिलान्यास सांसद दिनेश चंद्र यादव जी और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कर दिए हैं, तो उनके पास कभी आप लोग आवाज उठाए कि आप शिलान्यास करके गए हैं? उनके पास क्या आवाज उठाएंगे, वो तो खुद गायब है, वो तो मिल नहीं हुए हैं। और शेखर, बात रही शेखर यादव की, शेखर यादव तो पटना में बैठे हैं, पटना जाएंगे हम लोग मिलने के लिए। अच्छा, जिला प्रशासन से आप लोग मिले हैं क्या? जिला प्रशासन से भी मिले हैं, उससे बात भी किए हैं, तो वो अभी कोई कोरोना के लिए कोई इधर देखने वाला नहीं है, सब कोरोना में लगा हुआ। चलिए हम लोग गाँव के दूसरे युवा से मिलते हैं। अच्छा, ये सड़क जो है आप लोग लगातार प्रयास किए हैं, अब क्या लगता है यदि इस इतना आवाज उठाने के बावजूद भी प्रशासन इस पर अपना ध्यान नहीं दे तो आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? सभी आदर्श ग्राम बालमगढ़िया के युवा और अगल बगल बगल के गाँव के युवा को लेकर के हम लोग जाएंगे मधेपुरा, वहाँ पे हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, जो सड़क आप देख रहे हैं यह आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया के मुख्य सड़क मार्ग है जो PMGRY सड़क योजना के अंतर्गत आता है, जो NH 107 मधेपुरा से सहरसा के मुख्य मार्ग पिठाही चौक से सोनवर्षा भपटिया सोनवर्षा को जोड़ती है। इस सड़क का टेंडर जो है इसमें 2018 में ही दे दिया गया, लेकिन हम यहाँ के कुछ नौजवानों से, यहाँ के ग्रामीणों से पूछते हैं कि इस सड़क का हाल, जो इस ग्राम पंचायत बालमगढ़िया में इस तरह का जो हाल है, इसका शिलान्यास कब किया गया, इनका टेंडर किसको दिया गया है और कौन यहाँ आके इनका शिलान्यास किया है, आइए हम दिखाते हैं इस सड़क के हालों को। क्या नाम है ना? आपका क्या नाम है? मनु कुमार। तो जी मनु जी, बताइए इस सड़क का शिलान्यास कब किया गया? ये शिलान्यास जो है ना, लगभग इलेक्शन से पहले किया हुआ, इलेक्शन से पहले दिनेश चंद यादव और यहाँ के जो वर्तमान अभी विधायक हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उसके द्वारा शिलान्यास किया गया। तो जब इस शिलान्यास किया गया प्रोफेसर